नमस्ते स्टूडेंट, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल फीड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी खासकर टैली में। टैली में ये जो ऑप्शंस है उन कंपनियों या ऑफिसों के लिए होता है जिसकी कई सारे ब्रांचेज होते हैं। तो कई सारे ब्रांचेज होने की वजह से जितनी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनकी बिलिंग एक मेन ब्रांच से की जाती है, तो लेकिन उनके ब्रांचेस अलग अलग है। हर अलग अलग सामान ब्रांचेस से सामान की डिलीवरी की जा रही है, बेचा जा रहा है, लेकिन कस्टमर का बिल एक ही ब्रांच से बनता है। तो एक ही ब्रांच से सभी ब्रांचेस का बिल कैसे मेंटेन करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अलाउ मल्टीपल मेलिंग डिटेल का यूज टैली में यूज करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। टैली में मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स की जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जाना होगा F11 फंक्शन की में, वहां पे F1 में अकाउंटिंग फीचर का इस्तेमाल करना होगा। उसमें आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर्स सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है कि अगर कई अगर एक ब्रांच है उसके कई शाखाएं हैं तो अलग अलग शाखाओं का एड्रेस एक ही शाखाओं में कैसे मेंटेन करेंगे, और अलग शाखाओं से अगर कोई चीज़ सप्लाई की जाती है तो उसका बिल मेन शाखा से कैसे बनाया जाता है, और अलग शाखों का आपका जो एड्रेस होता है वो मेन शाखा से कैसे प्रिंट करना है, तो उसी का नाम है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट या कंप्यूटर डिजाइन एक ये हेड ऑफिस है जिसका स्टेट स्पेस है, यानी जो एड्रेस है CK 65/204 बड़ी प्लेरी छिगन पे है, और यहाँ से माल बिका हुआ है राम इलेक्ट्रॉनिक को जो 10 पीस बेचा गया है, और दूसरा ब्रांच इनका है विजुअल इफेक्ट का, ब्रांच ऑफिस है सिगरा पे C9/4 चंडिका नगर सिगरा पे, और वहाँ से माल बेचा गया है शाम इलेक्ट्रॉनिक को 10 पीस। अब ये दोनों बिल हमें बनाना है एक ही जगह, यानी ये दोनों जगह का अकाउंट एक जगह से मेंटेन किया जा रहा है, नहीं मेन ब्रांच से। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्टूडेंट टैली पर, और टैली पर मैंने एक मेन ब्रांच के नाम से कंपनी बनाया, यानी विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिवीजन, यहाँ पे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो एड्रेस है मेन ब्रांच का वहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखिए जैसे मेन ब्रांच का जो एड्रेस है CK 65/204 यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दिया। इसको करने के बाद स्टूडेंट मैंने सेव करा लिया, और सेव करने के बाद वापस मैं आ गया F11 में, और F11 में जाकर आपको ऐप अकाउंटिंग फीचर्स में ये लास्ट ऑप जो सेकेंड ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल का, उस ऑप्शन को यस करना होगा स्टूडेंट। यस करिएगा और वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एंड ये विजुअल फेड कंप्यूटर डिवीजन जो मेन ब्रांच है उसका हेड ऊपर दिखाई देगा, नीचे एड्रेस दिखाई देगा प्राइमरी में, यानी मेन ब्रांच का जो एड्रेस दिखाई देगा, जो इंटर करेंगे तो डिटेल दिखाएगा कि मेन ब्रांच का एड्रेस क्या है, और इसी जगह आपको अगर सेकेंड ब्रांच का एड्रेस डालना है तो मैंने सेकेंड ब्रांच यहाँ पर लिखना होगा सेकेंड ब्रांच, और इंटर कर दिएगा और सेकेंड ब्रांच यानी उसका नाम और प्लस उसका एड्रेस यहाँ डाल के सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव करने के बाद आप डेटा को सेव करा लीजिएगा, और वापस हम बिल बनाते हैं स्टूडेंट। बिल बनाने के लिए F11 में जैसे मैंने मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे एक बिल बना हुआ है, यहाँ पे दोनों देखिए बिल मेन ब्रांच से ही बन रहा है, ठीक है, यानी ये विजुअल इफेक्ट से ही मेन ब्रांच से दोनों बिल बन रहा है। और मान लीजिए हमें अगर मान के चलिए अगर इस सेल ब्रांच जो सेल किया हुआ है श्याम लाल को ये बिल बना हुआ है कहाँ पे, सपोज कि ये माल बिका हुआ है आपका सिगरा ग्राउंड से सिगरा ब्रांच से, तो अगर कस्टमर को जो एड्रेस चाहिए वो सिगरा ग्राउंड से चाहिए यानी सिगरा का चाहिए, तो सिगरा का एड्रेस कैसे वो प्रिंट करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो सिगरा का जो एड्रेस वो प्रिंट करेगा तो वापस वहाँ पे स्टूडेंट हमें जाना होगा, हम वापस यानी प्रिंट करने के लिए अल्टर पी आप करते हैं, अल्टर पी करेंगे और यहाँ पे आकर आपको अल्टर टी करना होगा, ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, आकर अल्टर टी पी के बाद अल्टर टी जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इन्वाइस करना है, और जिस ब्रांच का यानी अगर मान लीजिए सेकंड ब्रांच है तो सेकंड ब्रांच का सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इंटर करेंगे और अल्टर जी से देखिए यहाँ पे इसका जो एड्रेस डेट दिखाई देगा एड्रेस वो कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए चंडिका नगर सिगरा यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट। तो आप एक ही ब्रांच से सपोज कीजिए अगर इसी ब्रांच को हम अगर इसी बिल को हम यहाँ से बिल बना या इसका एड्रेस अगर मेन ब्रांच का देना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ इसी में दे सकते हैं। अब अल्टर टी करिए वापस, और अल्टर टी करके यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी कर दीजिए तो ये मेन ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। यानी एक ही बिल को
कई जगह ब्रांचेस का अगर शो आप करना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस का हेड आपको जनरेट करना है, तो इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का यूज। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल मेलिंग का यूज टैली में करने का सही तरीका क्या होता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट बताए जाते हैं, एक एक शॉर्टकट बताए जाते हैं कि इसको इस्तेमाल टैली में कब आप कैसे करना चाहिए। अगर आप बिजनेस क्षेत्र में हैं या आप अपना किसी फ्रेंचाइजी का काम लेके कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।